नमस्कार जी, कैसे हो आप? सब लोग ठीक हो? और मैं आज बनाने जा रही हूँ ब्रेड के रोल्स। तो मैंने ये चार ब्रेड ले रखे हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है ब्रेड, तो मैं छोटे छोटे से था, हम इनको कस कर। तो मैंने ये लिया है कद्दूकस, बारीक वाला है, और इससे हम उठली नहीं होगी, तो इनको घिसना ज़रूरी है, नहीं तो हाथ से मिक्स करने से इनमें गुठलियाँ पड़ जाएगी। तो हम इसको इसमें घिसेंगे। इसी तरह से हम सारे आलू कस करते हैं। ज़रा सी भी गुठली नहीं है, तो हम अब गैस में रखते हैं एक पैन। तो तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे हम आधा चम्मच जीरा, और जाएंगे आधे से चौथाई चम्मच हींग। फिर इसमें डालते हैं प्याज, डालते एक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची। तो मैंने एक ही मिर्ची डाली है, ज़्यादा मिर्ची नहीं डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आलू। और इसमें डाल देते हैं हम देगी मिर्च, और हाफ चम्मच डालते हैं धनिया पाउडर, और हल्दी पाउडर डाल दें थोड़ी सी। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। और चटपटा करने के लिए डालते हैं चाट मसाला। मैंने एक चम्मच चाट मसाला डाला है, और क्या डालेंगे हम, रेड चिल्ली, और आधा चम्मच डालेंगे ऑरेगानो, मिला देते हैं बारीक कटा हुआ हरा धनिया। तो ये हम सब चीज़ को अच्छे से मिलाते हैं। इसको हम अच्छे से मिला देते हैं। नमक मैंने अभी थोड़ा सा इसमें और डाला है, क्योंकि मैंने इसमें ना थोड़ा सा नमक डाला था, तो इसमें ना आधा चम्मच इसमें और मिला दिया है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया हमारा ये मसाला बन रहा है, बहुत ही अच्छे से बन गया है। तो हमारा ब्रेड रोल बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए, ये तो मसाला बन चुका है, अब हम इसको एक तरफ कर देते हैं। तो मैंने एक बाउल लिया है, इसमें डालती हूँ मैं रोल्स बनाने के लिए कॉर्नफ्लोर। तो मैं कॉर्नफ्लोर का ना घोल बनाऊँगी, तो मैंने ये इसमें डाल दिया है चार चम्मच कॉर्नफ्लोर। आपको जैसे हिसाब से होगा, आपको ऐसे कॉर्नफ्लोर डालना है, चाहे तो मैदा भी डाल सकते हो और बेसन भी डाल सकते हो और गेहूं का आटा भी मिला सकते हो। तो मैं चार चम्मच बड़े चम्मच से कॉर्नफ्लोर डाल दी हूँ। और
इसमें डालती हूँ मैं हल्का सा नमक, ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि हमारे जो मसाला बनाना उसमें भी नमक हो रखा है थोड़ा सा, तो इसमें हम थोड़ा सा ही मिलाएंगे और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। भी नहीं है तो मैंने इसको ऐसे बना रखा है कि ज़्यादा गाढ़ा नहीं है, तो इसमें पानी थोड़ा सा लगा चार आधी कटोरी के बराबर। और अब आप करते हैं बाकी का काम, तो जो ब्रेड का कोना कोना काटने हैं। इसी तरह से हम सारे ब्रेड काट, ये देखिए इसीलिए हमने सारी एक जैसी तैयार करके रख दी। हमारा आलू का मसाला भी ठंडा हो चुका है, अब हम इसको गोली गोली करते हैं। जैसे सेज का बनाना हो ना ऐसे सेज का आप बना सकते हैं। इसी तरह मैं सारे बनाऊंगी और अभी आपको दिखाते हैं। चलिए मैंने ये सारा ये बना दिए हैं और अब चलिए इनसे तैयारी करते हैं बनाने की। ये देखिए अभी मैं आपको सारे इसी तरह से बना के दिखाती हूँ। इस तरीके से आपको भी बनाने हैं, जब आपका रोज खाने का मन करे तो आप ऐसे बनाए। और तो हमारे ब्रेड के रोल्स बन चुके हैं, अच्छी से एकदम बन गए हैं और आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कलर आ रखा है इनका। ये देखिए बहुत ही बढ़िया कलर आ रखा है, तो आप लोग इनके भी चाय के साथ भी खा सकते हैं और आप बनाए, बहुत अच्छे लगते हैं ब्रेड वाले रोल्स। तो हमको इस पर तेल अच्छी से निकालना है और इसमें इसको प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए हमारे ये भी रोल्स बन चुके हैं और हम इनको भी निकाल देते हैं प्लेट में। आप लोग भी बनाना और चाय के साथ में खाना, बहुत अच्छे लगते हैं। और अच्छी लगे वीडियो तो शेयर करना और लाइक करना। और आज की वीडियो बस इतनी है, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ध्यान रखना।